आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है लोकसभा चुनाव समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। छठे चरण में मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों भोपाल, ग्वालियर, गुना, विदिशा, सागर, राजगढ़, भिंड और मुरैना में 12 मई को मतदान होगा। इस चरण में 14 महिलाओं सहित कुल 138 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुछ प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो इनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और विवेक सेजवलकर शामिल हैं। छठे चरण में राज्य के 1,04,00,000 मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कल होने वाले मतदान के लिए आज सुबह से ही मतदान दलों को मतदान सामग्री के साथ रवाना किया जा रहा है। आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले जिले की सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान कर्मियों को स्थानीय शासकीय नेहरू महाविद्यालय में मतदान सामग्री वितरित की जा रही है। यहाँ वाहनों GPS सिस्टम भी लगाए गए हैं। विदिशा, गुना, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, सागर, दतिया, राजगढ़, रायसेन जिलों से भी मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरित किए जाने के समाचार मिले हैं। लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस चरण में प्रदेश के लोकसभा क्षेत्रों इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खंडवा, खरगोन, रतलाम और मंदसौर में 19 मई को वोट डाले जाएंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को रिझाने के लिए इन क्षेत्रों में लगातार रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज शाजापुर, धार और खरगोन क्षेत्र में प्रचार करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार कुछ देर बाद श्री गांधी देवास संसदीय क्षेत्र के शुजालपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे धार संसदीय क्षेत्र के अमझेरा और वहां से शाम को खरगोन पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। धार से हमारे संवाददाता ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष की रैली के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आज शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी धार जिले के अमझेरा आ रहे हैं, जहां वे कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गिरवाल के समर्थन में आम सभा करेंगे। वे अमझेरा में लगभग 1.25 घंटा रुकेंगे। दोपहर में होने वाली सभा के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। आम सभा में धार, इंदौर, झाबुआ, बड़वानी आदि जिलों के लोग आएंगे, जिनके वाहन पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं गर्मी के मद्देनजर पेयजल के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के अतिरिक्त 700 से अधिक पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए धार से मैं सुनील सचान। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 15 मई को धार महू संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शतर सिंह दरबार के समर्थन में जिले के मनावर में आम सभा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंदौर और खंडवा के छहगांव माखन में रैलियों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी 13 मई को रतलाम झाबुआ सीट से भाजपा प्रत्याशी गुमान सिंह डामोर, मंदसौर प्रत्याशी सुधीर गुप्ता और उज्जैन प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के समर्थन में रतलाम में रैली करेंगे। इसी दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा रतलाम और इंदौर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 14 मई को खंडवा में जनसभा करेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू रतलाम जिले के आलोट में पार्टी प्रत्याशी बाबूलाल मालवी के समर्थन में रैली करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर और उज्जैन लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह देवास और खरगोन लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। विदिशा जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं को मतदान में किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए उन्हें विशेष छूट देते हुए 3-पहिया वाहन सीधे मतदान कक्ष तक ले जाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं दिव्यांग मतदाताओं को बिना कतार में लगे सीधे मतदान करने की अनुमति भी होगी। उधर शिवपुरी जिले में भी दिव्यांग वृद्ध और गर्भवती महिला मतदाताओं की सहायता के लिए दिव्यांग नियुक्त किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुग्रह पी ने बताया कि ऐसे मतदाताओं के लिए अलग से सुगम्य पास जारी किए गए हैं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।